जय महाकाली दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अचूक प्राचीन टोटको में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोज़ाना दिखाते हैं वशीकरण, टोने टोटके, काला जादू, व्रत पूजन विधि एवं वास्तुशास्त्र, धार्मिक ज्ञान के बारे में। आप सभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें, ताकि रोज़ाना आपको इसी तरह की वीडियोस की जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, बस एक नींबू और कील का प्रयोग आपने करना है और आपके शत्रु यानी दुश्मन ने जो आपके ऊपर जादू टोना, मारण प्रयोग, काला जादू या कुछ भी क्रिया कराई है, उसे उसी के पास वापस कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल बहुत से व्यक्ति इसी वजह से परेशान हैं कि वह अगर कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उनके अपने ही चाहने वाले, उनके अपने ही मित्र या फिर उनके घोर शत्रु उन पर कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं कि वह अपने ज़िंदगी में आगे तो क्या इतना पीछे आ जाते हैं कि उनको कामना भी नहीं होती, कभी सोचा भी नहीं होता ऐसा। दोस्तों, आजकल के इस ज़माने में कोई किसी से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह अपना आपका मित्र बनकर करे, आपका दुश्मन बनकर करे। कोई किसी को कुछ पलों के लिए बर्बाद करना चाहता है तो कोई किसी से कुछ चीज़ें छीनना चाहता है, या फिर कोई किसी को जान से मारना चाहता है, और यह सब करने के लिए वह लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वह तंत्र विद्या हो, काला जादू हो या कुछ भी हो, परंतु इसके परिणाम उसको अवश्य भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जिस पर किया वह इंसान तो बर्बाद हो गया ना। और अगर आजकल आप पर कुछ हुआ है और आप कहीं जाते हो, किसी से पूछते हो या उनसे इलाज कराने जाते हो, तो वहाँ पर भी अवश्य बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि कसूर उनका नहीं। कोई भी कार्य करने के लिए सामग्री अवश्य लगती है, सामग्री नहीं लगती तो पूजा पाठ, जाप, मंत्र ये सब अवश्य लगता है, ये सब अवश्य लगता है। किसी भी चीज़ को काटने के लिए समय अवश्य लगता है, तो कुछ ना कुछ आपको शुल्क अवश्य चुकाना पड़ता है। और हमारे बहुत से मित्र, बहुत से सज्जन ऐसे हैं जो शुल्क चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह सभी लोग यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। यह उपाय अवश्य छोटा है, अवश्य सरल है, लेकिन जो इसके परिणाम हैं वो अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। जादू टोना किए कराए कराने वाले व्यक्ति पर यह उपाय इस प्रकार लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका नुकसान 10% हुआ है तो उसका नुकसान इसके बाद अवश्य 100% होगा। लेकिन आपके कार्य में सच्चाई होनी चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए और विश्वास पूरा होना चाहिए। इस उपाय को सिर्फ एक क्रिया और कार्य समझकर मत करिएगा, इस उपाय को सच्चे मन से करिए। और इस उपाय को करते समय यह हमारा दावा है, अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो इस उपाय को करते समय आपको एक झटका अवश्य लगेगा जो आपके अंदर से आपके किराए कराए को अवश्य हिला देगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर से कुछ ना कुछ अवश्य बाहर निकला है, और जब आप इसको महसूस करेंगे उसके बाद आपने एक कार्य करना है, और वह कार्य उस निकली हुई चीज़ को सीधा ले जाएगा आपके शत्रु के पास। जिसने भी यह कार्य किया है सीधा उसके पास ले जाएगा, उसके अंदर ले जाएगा। मित्रों,
क्रिया कराने का अलग अलग कार्य होता है। कोई किस प्रकार कराता है तो कोई किस प्रकार कराता है। मारण प्रयोग भी अलग अलग है। मारण प्रयोग को करने वाला अपनी तरफ से पूरा बल लगाता है और जब उसका यह कार्य सफल हो जाए तो आपका सांस घुटने लगता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई आपका गला दबा रहा है। उस क्षण इंसान की मृत्यु या तो हार्ट अटैक से होती है या तो दम घुटने से होती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए और यह उपाय आपको 3 गुरुवार तक करना है, यानी 3 थर्सडे तक इस उपाय को आपने करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक नींबू की। नींबू एकदम पीला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो एक नींबू आपने अपने राइट हैंड में रखना है, यानी सीधे हाथ में, और पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होगा, यानी ईस्ट दिशा की ओर। ईस्ट में खड़े होकर एकदम स्ट्रेट सीधा आप खड़े होइए और उस नींबू को अपने हाथ में पकड़िए और एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करें और मंत्र बोलते समय आपने नींबू को 7 ही बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाना है 7 बार। मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ध्यान से उसका उच्चारण कर सके। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम स्तंभय जीवा किलय किलय बुद्धि नाशय तंत्र विनाशय मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे विद्राव्य विद्राव्य सोषय सोषय ह्रीम ओम स्वाहा। इसी प्रकार से एक बार मंत्र बोलकर एक बार नींबू को अपने सर के ऊपर से घुमाएंगे, फिर दोबारा इस मंत्र को बोलकर दोबारा इस नींबू को घुमाएंगे। ऐसे आपने 7 बार करना है। मंत्र एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीवा किलय किलय बुद्धि नाशय तंत्र विनाशय मारय मारय बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटय उच्चाटय विद्राव्य विद्राव्य सोषय सोषय ह्रीम ओम स्वाहा। इसी के साथ आप माँ बगलामुखी से प्रार्थना भी करें कि आपके शत्रु को उसी के खिलाफ तड़पता हुआ देखे, और इस कामना से अब उस कील को अपने हाथ में रखिए सीधे हाथ में और 7 बार दोबारा इस मंत्र को बोलकर उस कील पर आप फूंक मारेंगे और उस कील को नींबू के अंदर इस प्रकार गाड़ेंगे कि शत्रु के आर पार कर रहे हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नींबू के अंदर कील गाड़ते ही आपका शत्रु दर्द पीड़ा से इस प्रकार चिल्लाएगा कि जैसे किसी ने उस पर सीधा वार किया हो। दोस्तों, इस कार्य को करने के बाद आप उस नींबू को किसी भी बहते हुए पानी में जाकर प्रवाहित कर दें। अगर बहता पानी नहीं है तो पीपल वृक्ष के नीचे इसे छोड़कर आप आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी समझ आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या है तो हमें आप सीधा कमेंट में लिखकर बताएं। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अचूक प्राचीन टोटके। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ काली।